मेरे साथ बहुजन समाज के स्टार, रॉक स्टार हैं रॉक्सन, और ये फिल्म भी बनाते हैं, निर्माता भी हैं, अभिनेता भी हैं। एक पोस्टर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन आपको, फिल्म का नाम है वहाँ एक उड़ान हौसलों से भरी। ये फिल्म है, इसमें बड़े कलाकार की तस्वीरें दिख रही हैं, राजा मुराद की तस्वीरें दिख रही है, सुदेश बेरी है। अच्छा, तो रॉक्सन ने फिल्म बनाई है, और जिस तरह से पद्मावत को लेकर पूरे देश में विरोध हुआ था, सेंसर बोर्ड ने कहा था कि इसको रिलीज कीजिए, लोगों ने कहा कि रिलीज रोक दीजिए। रॉक्सन की फिल्म के साथ दूसरी बात हो रही है, लोग चाह रहे हैं, बहुजन समाज चाह रहा है कि ये फिल्म रिलीज हो, और जो सेंसर बोर्ड है वो चाह रहा है कि फिल्म रिलीज नहीं हो। रॉक्सन भी मेरे साथ है। रॉक्सन, सेंसर बोर्ड क्यों आपकी फिल्म को रोक रही है? मेरा इसमें ये सेंसर बोर्ड ये कह रही कि भाई आफ्टर रिलीज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर मैंने रिव्यू कमेटी में अपील किया। ऐसा क्या दिखा दिया भाई? मैंने ये दिखा दिया है कि भाई एक दलित रामायण लिख सकता है, एक दलित महाभारत लिख सकता है, एक दलित इस देश का संविधान लिख सकता है। इतनी विद्वत्ता के बाद भी आज़ाद भारत में 70 साल में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, उसकी वजह क्या हो सकती, ये पूछना मेरा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। फिर उस पर हमने एक सोल्यूशन भी दे दिया है कि रोटेशन, जैसे आज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आज 7 संस्था है, यानी कि सेक्टर्स है पॉलिटिकली, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका एंड महानगर पालिका, ये 5 सेक्टर में रोटेशन चालू है, और उसी रोटेशन की वजह से आज हमारा SC ST OBC प्रधान बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है, मेयर बन रहा है। मेरा कहना है कि अगर 5 सेक्टर में चालू है तो विधानसभा लोकसभा में चालू करो, यानी कि रोटेशन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, ये आपके फिल्म में मुद्दा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री में भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो, रोटेशन इम्प्लीमेंट। यस 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 यस, यही ये फिल्म का बेस है। तो बताइए रॉक्सन, कितनी बजट की ये फिल्म है, और कितने साल में आपने फिल्म बनाई, और कितने घंटे की ये फिल्म? ये फिल्म 2.5 घंटे की फिल्म है, और इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के एंगल से मत देखना। बजट की बात आप कह रहे हो तो ये फिल्म मेरे खून से बनी है। अब खून का कितना बजट लगाओगे, 4 साल लग गए, 4 साल इस फिल्म को बनाने। बताइए आप बहुजन समाज के, अब तो कुछ उड़ान देखी मैंने, अभी गुड्डू रंगीला देखी है मैंने, कई सारी फिल्में देखता रहता हूँ, संतोषी माँ भी देखी है, और राजा हरिश्चंद्र भी देखा है। बहुजन समाज के कितने लोग एग्जिस्ट करने लगे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और क्या ये बहुजन समाज के मुद्दों पर फिल्म बनने लगी है? देखो, मैं प्राउड से मैं आज आपसे के इस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मैं आई एम द फर्स्ट इन बॉलीवुड, कि मैं पहला शख्स हूँ, पहला एन एक्टर हूँ, पहला प्रोड्यूसर हूँ, पहला डायरेक्टर हूँ, कि मैं खुल कर कह रहा हूँ कि यस आई एम ऑल्सो दलित, बिकॉज दलित दलित ही दलित का दर्द समझता है, और मैंने ये दलित मैं था, मैं हूँ, इसीलिए मैंने फिल्म पिक्चर आई। अब तो मार्केट भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बहुजन समाज का बड़ा मार्केट है, लोगों ने सैराट को हिट कराया, ऐसे कई फिल्में हिट हुई, उधर रजनीकांत ने भी दलित इशूज को लेकर फिल्म बनाई, तो अब एक मार्केट बनने लगा है। नहीं देखिए, मार्केट वो बात अलग है। देखो, मैं फिल्म को एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं देखता, मैं फिल्म को सोशल मैसेज देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे गुरु देवानंद साहब की उंगली पकड़कर मैंने बॉलीवुड देखी है, और देवानंद साहब की हर एक फिल्म देखो, देवानंद साहब ने सोसाइटी को एक मैसेज दिया, लाइक हरे रामा हरे कृष्णा, राम एंड कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा के बाद लंदन पहुंचे, जब दलित प्रधानमंत्री होगा रॉक्सन को सोसाइटी याद करेगी, ये बिकॉज ऑफ रॉक्सन जस्ट बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ऑफ रॉक्सन एंड बिकॉज ऑफ। एक्चुअली आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? देखो, मेरा समाज, मैं समाज पर ट्रस्ट करता हूँ, मैंने मेरा करियर दांव पे लगा है, और मेरा समाज मुझे, मेरे साथ दगाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि मैं उस ब्लड का हूँ। अगर मेरे साथ, अगर मेरे समाज ने अगर दगाबाजी की, तो आने वाला कल, आने वाले नस्लें मुझे टोकेगी नहीं। गाना भी रखा है आपने बहुत सारे, इसी गाने का तो प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को। कौन सा गाने से प्रॉब्लम है उसका? देखिए, एक जो सॉन्ग है, गर बहा है रक्त को तू वक्त को पहचान ले, हो गए हैं हम फना, तो बहुत ही सुंदर सॉन्ग्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है, बहुत ही एक मैसेज देने वाले सॉन्ग्स है। और दूसरा जो हमारा जो एक उस थीम का जो सॉन्ग है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखा, भगवान बिरसा मुंडा ने क्रांति की, और बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये देश साधु संत महात्मा का है, किसी नवाब की जागीरदारी ने। तो क्या लग रहा है, सेंसर बोर्ड पर भी RSS का कब्जा हो गया क्या आजकल? टोटल सेंसर बोर्ड RSS के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा एक वीडियो भी वायरल हो गया है, ये फिल्म अगर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के पहले अगर रिलीज हो जाती तो कदापि यूपी में और उत्तराखंड में, और जो भी उन्होंने प्रोग्रेस किया है वो प्रोग्रेस नहीं होता, BJP सत्ता पर नहीं आती। देखिए, रॉक्सन की फिल्म है कुरान, इसको सेंसर, इनका कहना है कि सेंसर बोर्ड रिलीज नहीं होने दे रहा है, और बहुजन समाज के लोग अब लगातार फिल्मों में भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं।
एक बड़ी बात बताऊं, आपको लगता होगा कि एक छोटी बात है, बहुत गंभीर बात है। अमेरिका में जब श्वेत समाज का कब्जा था फिल्मों पर, और उसी संख्या में वहाँ अश्वेत कलाकार हैं, ओफ्रा विनफ्रे आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे महंगी एंकर हैं अश्वेत समाज से। भारत में भी वो डाइवर्सिटी की कमी है, यहाँ फिल्मों में एक समाज विशेष का, जाति विशेष का कब्जा है, और उसको मैं कास्ट कैपिटलिज्म भी कहता हूँ, तो कास्ट कैपिटलिस्टों का कब्जा है, और बहुत कम संख्या में जो है बहुजन समाज के अभी डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स पहुँचे हैं, लेकिन तेज़ी से पहुँच रहे हैं। साउथ दक्षिण भारत की फिल्मों में स्थिति बदली है। रॉक्सन उसकी हिंदी पट्टी में एक अगली कड़ी हैं, बड़ी कड़ी हैं, उन्होंने एक उड़ान फिल्म बनाई है, लेकिन रिलीज अगर हो तो मैं आप लोगों से पर्सनल अपील करता हूँ कि एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म। रही बात भारतीय फिल्मों की, तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश में जय संतोष सिम्हा, राजा हरिश्चंद्र, जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, महिलाएं डॉक्टर और इंजीनियर बन रही थी, जब समाज बदल रहा था, जब यूरोप में महिलाएं सड़कों पर उतर के आंदोलन करी, तो आपके यहाँ सती सावित्री, जय संतोष सिम्हा और राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बन रही थी। तो बहुत ज़रूरत है कि आपके समाज में रॉक्सन जैसे कलाकार हों जो रियलिस्टिक फिल्में बनाते हों, ताकि आपके समाज में जो बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, वो भी लोगों के सामने आ सके। इसलिए अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो आप ज़रूर देखिए। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।